नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS RRB कट ऑफ के बारे में। IBPS RRB में आप सभी को पता है कि दो तरीके के फॉर्म आपने फिलअप किए होंगे, एक तो आपने ऑफिसर असिस्टेंट का और एक आपने जो है आप इसमें आप कह लीजिएगा स्केल वन का और एक आपने ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप किया होगा। ठीक है, दो तरीके के आपके इसमें फॉर्म फिल होते हैं। बाकी तरीके के होते हैं उसमें आपकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, MBA CA LLB वगैरह जो आपकी स्केल थर्ड होता है, टू होते हैं उन सभी में। तो इसकी देखिए कट ऑफ, मैं जो बोलता हूँ वो एक्चुअली डाटा देख करके ही बोलता हूँ, आपके जितने भी हैंडीकैप लोग हैं उन सभी का। ठीक है, ऐसे कोई बिना हवाबाजी के कभी भी ना तो मैं ज़्यादा आपको कट ऑफ बताता हूँ ना मैं आपको कभी कम कट ऑफ बताता हूँ। एक रिलेटेड कट ऑफ उसी से लगभग मिलती जुलती मेरी सभी वीडियोज़ में कट ऑफ होंगी। अगर आपने मेरी वीडियोज़ लगातार देख रहे होंगे, चाहे वो शुरू से लगा करके NTPG CBT 1 से लगा कर आपके लेखपाल हो, आपके चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे आपका अब IBPS RRB की बात भी हम करने वाले हैं। देखिए IBPS RRB का जो डाटा होता है वो थोड़ा सा हाई जाता है, ये बिल्कुल रियलिटी है। बैंकिंग में सभी लोग हैंडीकैप चाहते हैं कि बैंकिंग की अच्छी जॉब हमें मिले, लेकिन बैंकिंग में वास्तव में जॉब मिलना बहुत ही बड़ा टास्क है अपने आप में। एक इतना कम एक सिलेबस इतना बड़ा डिफ़िकल्ट है, और जॉब के अलावा जिसमें कि और फिर टाइम कंज्यूमिंग करना, टाइम का बहुत बड़ा प्रोसेस है। जिसने टाइम इसमें अपना गेन कर लिया, टाइम को बचा लिया, वो ही इसमें एक अच्छा स्कोर कर पाएगा। क्वेश्चनों का लेवल बहुत इजी होता है, सिंपलीफिकेशन के कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं आपको ऑफिशियल असिस्टेंट में, यानी क्लर्क वाले को जो टेस्ट है उसमें देखने का। इसके अलावा आपका PO में भी जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो काफ़ी इजी होता है, इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन उसको टाइम में प्रॉपर टाइम में करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपके 80 क्वेश्चन आएंगे और 45 मिनट आपके पास रहेगी। उसके अलावा कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। देखिए कट ऑफ का मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत हाई जाती है। आपकी जो स्केल वन है जिसको हम PO भी बोल सकते हैं, तो उसमें आपका जो है 50 प्लस नंबर आपको रखने ही रखने हैं, 50 से 55 के बीच में आपको मान के चलना है कि इतने मार्क्स मुझे लेकर के आने हैं। 80 में से 50 से 55 के बीच मार्क्स आपको इसमें लेकर के आने हैं PO में। वहीं दूसरी हम बात करें जो है आपका क्लरिकल का, जो क्लरिकल का होता है, जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको कम से कम 70 से 75 के बीच में आपको मार्क्स लेकर के आने हैं 80 में से, उसमें बहुत हाई कट ऑफ जाती है। पिछली बार UP की 76 पर जर्नल की थी और हैंडीकैप की 73 नंबर पर थी। ठीक है, हो सकता है उसमें OBC SC ST वो अलग से दिखाते हों, लेकिन वो प्रॉपरली उसी के अंदर शो करते हैं जब आपका रिजल्ट आता है हैंडीकैप का। हैंडीकैप की जो थी, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था क्लर्क का पिछली बार, और मेरे लगभग 70 से थोड़े से कम मार्क्स थे और 73 पे आपकी कट ऑफ बनी हुई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको इसमें मुश्किल है जॉब ले पाना। लेकिन क्वेश्चनों का लेवल आसान आता है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपके इतने मार्क्स टेस्ट में अभी जो है 40 नंबर आपके बनते हैं, तो आप फिर अपना तैयारी में लगे रहिए कि इसमें बस सब आप जो है लगातार मेहनत करने की इसमें जरूरत है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का ही सिलेबस है इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इतने नंबर अगर आप इसमें ले सकते हैं, आप टेस्ट वगैरह में जो भी है, आप इस तरीके से अगर आप 50 प्लस मार्क्स लेते हैं और इसमें 70 से 73 के बीच में रहते हैं, तो कट ऑफ इतनी रहती है। मैं कभी कट ऑफ अपनी तरफ से कम नहीं करता या कट ऑफ अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं बताता, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं हमारा। और व्यूज़ की बात रही, व्यूज़ तो मेरे चैनल पर बहुत इतने आते ही हैं, मैं इतना ज़्यादा लगातार वीडियोज़ बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि लगातार मैं व्यूज़ के चक्कर में वीडियो डाल ही रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों ने, अभी मैंने NTPC की वीडियोस बनाई, उसमें भी काफ़ी लोगों ने कहा व्यूज़ के चक्कर में और कट ऑफ बहुत हाई जाएगा या कम जाएगा किस तरीके से, उसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा फाइनल, बस उसके बाद लास्ट में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों जो है आप अपना देख लीजिएगा। इसके बाद आप तक लगातार बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफिस असिस्टेंट आपका स्केल वन, और फिर आपका IBPS PO, IBPS क्लर्क, और आपका SBI SBI PO, ये सभी एग्ज़ाम देंगे आपको देखने को मिलेंगे। और जो बाकी इन दो से एग्ज़ाम से अलग है, उनमें इंग्लिश भी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो लगातार पढ़ते रहिएगा, मेहनत करिएगा, और जल्दी से हमें भी न्यूज़ दीजिएगा कि इस एग्ज़ाम में जो है हमारा सिलेक्शन हो चुका है। और जयवाल पॉइंट से जितनी आपकी हेल्प हो सकती है, जयवाल पॉइंट लगातार आपकी हेल्प करता ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।